अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के वीडियो लेक्चर में बेसिकली इट्स आई विल बी कंटिन्यूइंग सम फार्मूलाज ऑफ चैप्टर 4 सेकेंड ईयर के। आप लोगों के पास जो चैप्टर 4 है उसके अंदर हम लोग जो है डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर जो है वो कर रहे थे। उसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे और आज के वीडियो लेक्चर में उसके बाकी कुछ फार्मूलाज जो है ई कैट के हवाले से वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी मैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग जो स्टूडेंट्स जिसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का लेते हुए हो रहे होते हैं। देखो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, ये बात हमेशा याद रखो कि आप डेरिवेटिव ले रहे हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जब भी ई जब आ जाए आपके पास जिसको हम एक्सपोनेंशियल कह रहे होते हैं अगर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा वो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर तो आपके साथ x के साथ अब कोई नंबर्स आ जा रहे हैं जब आपके पास ये तो ई एक्स लिखा हुआ है ना, अगर फर्स्ट क्लास मेरे साथ x के साथ कोई कोफिशेंट इन्वॉल्व हो रहा है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया e की पावर 5x लिख दिया, तो उस केस में हम लोग क्या होगा पहले एक्सपोनेंशियल जो नंबर होगा हमारे पास इस केस में देखो ये नंबर है 5, जो नंबर होगा वो हम मल्टीप्लाई करा देंगे और पूरा वो जो फंक्शन है वो एज इट इज़ यानी e की पावर 5x। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 5e की पावर 5x। इसी तरह जैसे अगर मेरे पास है d अपॉन डी एक्स ई रेज़ टू पावर 8x है तो इसको डिफरेंशिएट करते हुए हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हुए जो नंबर होता है उसको मैं मल्टीप्लाई करा देती हूँ, यानी मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा दिया और पूरा फंक्शन जो है वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आपने किस तरीके से डील करना है। अगर सिंपल ई एक्स होगा तो ई एक्स ही रहेगा, अगर एक्स के साथ कोई नंबर आ रहा है तो वो नंबर आपने अगर जैसे अगर मेरे पास डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स आ गया तो उस केस में भी हम लोग ये करेंगे कि हम जो ए है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे और पूरा फंक्शन एज इट इज़ ई की पावर ए एक्स, इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा एक और रिजल्ट के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा होता है जो क्या कहते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, हमारे पास इसके इक्वल होता है ये 1 के इक्वल होता है। ये रिजल्ट बहुत यूज़ हो रहा होता है कि ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इसके इक्वल है, तो यू गाइस नीड टू नो कि ये आंसर हमारे पास इसका 1 के इक्वल होता है। दूसरा हमारे पास जो है जो बहुत सारे हमने फार्मूलाज डिस्कस किए हैं अभी मैंने आप लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज हैं वो डिस्कस भी किए थे। जैसे अगर मेरे पास साइन है साइन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स है, साइन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है माइनस साइन, सही है। और ये हमारे पास जो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, सही है। इसी तरह हमारे पास सीकेंट और कोसीकेंट का भी होता है, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट से याद रखते हैं, सीकेंट में एक आसान चीज़ ये है कि सीकेंट में ये सीकेंट आ ही रहा होगा इन्वॉल्व होगा डेरिवेटिव लेते हैं, तो सीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। और इसी तरह हमारे पास कोसीकेंट का डेरिवेटिव देखो सीकेंट और कोसीकेंट में क्या वो होता है सीकेंट और कोसीकेंट में दोनों के डेरिवेटिव लेते हुए हमेशा याद रखना कि इन्वॉल्व हो रहा होगा डेरिवेटिव आंसर में, सीकेंट है तो सीकेंट डेरिवेटिव में भी आ रहा होगा, कोसीकेंट होता है तो कोसीकेंट डेरिवेटिव में भी आ रहा होगा, यहाँ पे माइनस कोसीकेंट एक्स और कॉट एक्स। याद करने का कैसे ये तो हमें सारे जो इंटर जिन्होंने क्रॉस किए उनको याद रहता है हमेशा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। अब टेंजेंट और कॉट का अगर आपको याद है तो आप उसे इजीली सीकेंट का निकाल सकते हैं। देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव अगर मेरे पास सीकेंट है तो सीकेंट के डेरिवेटिव में एक तो सीकेंट ही आएगा और एक टेंजेंट आ रहा होगा, एक सीकेंट आएगा एक टेंजेंट आएगा। अब अगर जैसे मैं इसी तरह अगर मैं कॉट की बात कर रही हूँ सॉरी अगर मैं कोसीकेंट की बात कर रही हूँ तो कोसीकेंट के डेरिवेटिव में एक तो कोसीकेंट ही आएगा और एक हमारे पास क्या आ जाएगा कॉट आ जाएगा, तो और ये नेगेटिव साइन था हमारे पास था, कोसीकेंट के डेरिवेटिव लेते हमारे पास क्या आ जाएगा एक तो माइनस कोसीकेंट आ जाएगा और एक हमारे पास जो यहाँ पे है कॉट वो कॉट इसके साथ आ जाएगा। तो ये जो है ये टोटल 6 फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और एक और हमारे पास फार्मूला डेरिवेटिव का तरीका ये भी रिजल्ट हम लोग लेते हैं कि वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, हमारे पास इसका डेरिवेटिव अगर मैं ले रही हूँ यानी डी अपॉन डी एक्स मैंने किया वाई इक्वल्स टू ए की पावर
एक्स का, मैंने उसका मैं डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाता है इसका, ए की पावर एक्स एल एन ऑफ ए के बराबर हो जाता है, सही है। अब ये तो थे हमारे पास बेसिकली सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है डेरिवेटिव किस तरीके से है। हमारे पास जो है इनवर्स फंक्शंस भी आ रहे होते हैं, तो इनवर्स फंक्शंस ये भी अगर जिन लोगों ने इंटर बहुत अच्छे से की हुई है स्पेशली सेकेंड ईयर, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सारा आप लोगों को उसी टाइम पर रट लिया होगा, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको ये याद रहते हैं। अच्छा देखो, अब साइन है, अब मेरे पास इनवर्स के डेरिवेटिव के फंक्शंस किस तरीके से अप्लाई होते हैं, जैसे अगर मेरे पास है वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना होगा तो जब साइन इनवर्स होता है तो मेरे पास आंसर क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मेरे पास है कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, तो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स में मेरे पास फ़र्क दोनों में क्या आ रहा है, अब आप लोग फ़र्क देखते रहना। साइन में अगर मेरे पास वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कॉज में मेरे पास सिर्फ नेगेटिव साइन लगेगा, बाकी सारे एज इट इज़, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं टेन और कॉट की बात करूँ, टेन इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स में मेरे पास क्या होगा, जैसे मैंने साइन से कॉज में लाई तो मैंने साइन चेंज कर दिया, तो अगर मैं टेन से कॉट में ला रही हूँ तो भी मेरे पास क्या होगा, साइन चेंज हो गया, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सीकेंड और कोसीकेंड का भी यही केस है, सीकेंड और कोसीकेंड में मैं यहाँ लिख देती हूँ, सीकेंड और कोसीकेंड में हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मेरे पास वाई इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, अब इसको याद रखने का ये तरीका है कि देखो, जो साइन वाला जो है ना, जब सीकेंड का कर रहे होगे तो साइन वाले को उलट कर दो और उसके साथ एक एक्स लगा दो। साइन का अगर आपको याद है और आपने सीकेंड का निकालना है, साइन से अगर आपने सीकेंड का निकालना है तो आप क्या करोगे, सीकेंड निकालते हुए इसको उलट कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर इसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया और एक बाहर एक्स लगा दो। इसी तरह अगर मेरे पास कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स है वाई इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक तो ये चीज़ है कॉमन कि पेयर्स बने हुए हैं मेरे पास, साइन और कॉस का पेयर है, साइन का याद होगा तो कॉस में जाते हुए आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना है, टेन और कॉट का बना हुआ है, ठीक है, टेन और कॉट में जाते हुए, टेन का अगर आपको याद है तो कॉट में जाते हुए आपने जो है सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना है। सीकेंड और कोसेकेंट का बना हुआ है, इस सीकेंड का याद होगा तो कोसेकेंट में जाते हुए आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना है, लेकिन सीकेंड में सीकेंड का ओरिजिनल फंक्शन याद करने का क्या आसान तरीका है कि आपने अगर साइन का याद किया हुआ है तो आपने बस क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है और साथ बाहर एक एक्स लगा देना, आपका वो सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, सही है। ये तो हमारे पास थे सारे इनवर्स के फंक्शन जो बहुत ज़रूरी हैं आपको याद करना। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास क्या होती है, वाई इक्वल्स टू, अगर मेरे पास है वाई इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स है, इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँगी, तो एल एन के फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने की भी एक टेक्निक होती है। एल एन के फंक्शन में हम लोग डेरिवेटिव इस तरीके से ले रहे होते हैं कि जो भी फंक्शन होता है, अब एल एन के साथ जो भी फंक्शन, ये फंक्शन मेरे पास ये है, एल एन के साथ जो भी चीज़ होगी वो मेरे पास फंक्शन होती है, तो जब भी हम एल एन के फंक्शन को डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी फंक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं। जैसे अब फंक्शन मेरे पास यहाँ है, ये मेरे पास फंक्शन है, तो जो फंक्शन होता है उसको उसको रेसिप्रोकल में लिखा, यानी एक्स फंक्शन एक्स था, मैंने उसको वन अपॉन एक्स लिख दिया, और फिर उसके साथ जो हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, फंक्शन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें पता है वन होता है, तो ये मेरे पास वन अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। ये एक कॉमन है हमारे पास टेक्निक एल एन के फंक्शंस को डेरिवेटिव लेने की। अच्छा, एक और एल एन के फंक्शन की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि फर्स्ट करो, मेरे पास है वाई इक्वल्स टू एल एन ऑफ टू एक्स, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ तो फंक्शन अब मेरे पास ये है, ये पूरा फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर जो भी है, तो मैं फंक्शन सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल में लिखूँगी, यानी वन अपॉन टू एक्स लिखा, देन मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव किसका लेंगे, फंक्शन का ही डेरिवेटिव लेंगे, टू एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है, टू हो जाता है, तो वन अपॉन टू एक्स इंटू टू, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन इस तरीके से बनना होगा। यहाँ हमारे पास ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया, चैप्टर फोर के हवाले से जितने भी एमसीक्यूज थे वो मैंने आप लोगों के साथ और फार्मूलाज थे वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ चैप्टर सिक्स के फार्मूलाज डिस्कस करूँगी। फॉर एनी क्यूरियस डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।